हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने फर्स्ट वीडियो हमारा देख लिया है। फर्स्ट वीडियो मैंने आपको ऑर्गेनिक रिएजेंट्स, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 20 ऑर्गेनिक रिएजेंट्स आपको दे दिए थे। पार्ट टू में लेके जा रहा हूँ। पार्ट टू में अपन 20 और कर लेंगे तो हमारा 40 हो जाएगा। टोटल लगभग 67 ऑर्गेनिक रिएजेंट्स आपको मैं देने वाला हूँ पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, चलो अपन आगे बढ़ते हैं। कुछ रिएजेंट्स बोर्ड पर लेके आया हूँ मैं। नंबर वन है आपका N3H प्लस H2SO4। इस रिएजेंट्स को बच्चों जो हम बात करते हैं, N3H को हम क्या बोलते हैं, हाइड्राजोइक एसिड्स हम लोग बोलते हैं। तो N3H को हम लोग बोलते हैं हाइड्राजोइक एसिड्स। क्या होने वाला है, हम ये देखने वाले हैं यहाँ पे बच्चों कि जो यदि हम लोग यहाँ पर एसिड्स की रिएक्शन हम यहाँ पे करवा दें, मीन्स RCHH ले लें हम यहाँ पर और उसकी N3H के साथ रिएक्शन करवा दें इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 और हम इसको हीट कर दें तो क्या होगा, CO2 अलग हो जाएगा और N3H का जो फॉर्मूला है NH N डबल बॉन्ड N होता है, NH ऐसे जाके जुड़कर ये दोनों R के साथ जाके जुड़ जाएंगे एंड यू गेट RNH2, आपको अमीन बन जाएगा बच्चों और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर अलग हो जाएगा। N3H जो है वो हाइड्राजोइक एसिड होता है, हाइड्राजोइक एसिड, यह हाइड्राजोइक एसिड N3H होता है और एसिड जो रहता है N3H के साथ रिएक्शन करता है इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एंड यू गेट अमीन्स। तो इस प्रकार से बच्चों ये पहला अमीन को यदि आपको चेंज करना है तो ये 21 N3H का हम लोग यूज करते हैं। चलो बच्चों, सेकंड ऑर्गेनिक रिएजेंट्स का जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो वो ऑर्गेनिक रिएजेंट होता है H3PO4 एंड H2SO4। ये दोनों जो ऑर्गेनिक रिएजेंट होते हैं बच्चों, ये डिहाइड्रेटिंग या डिहाइड्रेशन में काम आते हैं। कहाँ काम आते हैं, ये डिहाइड्रेशन में काम आते हैं। बोथ आर यूज इन डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन में हम इनका यूज करते हैं। सपोज कीजिए हमारे पास अल्कोहल है, जैसे हमारे पास यहाँ पर CH3CHOH है हमारे पास और उसके बाद हमारे पास CH3 है, हमने यहाँ पर H2SO4 ले लिया उसको हीट कर दिया या हमने H3PO4 ले लिया और इसको हीट कर दिया तो यहाँ से OH और यहाँ से H ये -H2O वाटर निकाल देगा एंड यू गेट CH3CH डबल बॉन्ड CH2। तो एल्कोहल इज कन्वर्ट टू एल्कीन। एल्कोहल को हम लोग एल्कीन में कन्वर्ट करते हैं। तो एल्कोहल को हम कैसे एल्कीन में कन्वर्ट करते हैं, वो ऑर्गेनिक रिएजेंट क्या होता है, वो H3PO4 या H2SO4 का हम लोग यूज़ करते हैं। यहाँ पर जब हम इनका यूज़ करते हैं बच्चों, तो चूंकि यहाँ पर यह सेकेंडरी एल्कोहल है, सपोज कीजिए आपके पास एक ऐसा एल्कोहल है CH3 है यहाँ पर और यहाँ पर एक CH3 है, यहाँ पर CH3 CH2 और CH2OH है। दिखने में तो यहाँ पर ये प्राइमरी अल्कोहल है बच्चों और जैसे ही आप यहाँ पर H2SO4 और H3PO4 के साथ डिहाइड्रेशन करेंगे तो इसमें कार्बोकेटाइन बनेगा। क्योंकि बच्चों यहाँ पर इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनता है तो कार्बोकेटाइन बनेगा मीन्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर रीअरेंजमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर रीअरेंजमेंट हो जाएगा तो हमें यहाँ पर रीअरेंजमेंट करके देखना पड़ेगा। हमने यहाँ पर वह चार्ज हटाया, प्लस यहाँ हो गया तो प्लस यहाँ पर हो गया तो प्लस, यदि यहाँ पर चार्ज यहाँ चला जाए तो यहाँ पर सेकेंडरी कार्बोकेटायन बन जाएगा। तो प्राइमरी कार्बोकेटायन इज कन्वर्ट टू सेकेंडरी कार्बोकेटायन और सेकेंडरी कार्बोकेटायन यदि H+ आयन जाता है और यदि ये CH3 ग्रुप जो रहता है माइग्रेशन ना हो गया, यदि H+ आयन यहाँ से माइग्रेट होकर जाता है तो टर्शियरी कार्बोकेटायन आपको बन सकता है। तो प्राइमरी इज कन्वर्ट टू सेकेंडरी, सेकेंडरी इज कन्वर्ट टू टर्शियरी। तो आप देखते हैं CH3CH3OH यहाँ पर जुड़कर और ये CH2OCH3 बना लेता है। तो इस प्रकार से बच्चों अल्कोहल OH ग्रुप यहाँ पर जुड़ जाएगा या फिर कार्बोकेटाइन के साथ में एल्किन्स बन जाएगा। यहाँ पे जो तुम डिहाइड्रेशन कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर H2SO4 है तो हम यहाँ पर एल्किन बना देते हैं तो यहाँ पर CH3 होकर ये डबल बॉन्ड यहाँ पर आता है 1, 2, 3, 4 और यहाँ पर CH हो जाता है। तो इस टाइप का हमें एल्किन बनता है, जिस एल्किन में मैक्सिमम एल्काइल ग्रुप्स आर प्रेजेंट तो जो एल्किन बनता है वो हमें सेटजिफ रूल का फॉलो करता ही है। कौन से रूल का फॉलो करता है, सेटजिफ रूल। मतलब मैंने यहाँ पर OH लगा दिया था यहाँ पर, लेकिन OH तब लगेगा कार्बोकेटाइन में जब मैं H2SO4 के साथ में वाटर डालूंगा। क्योंकि मैंने बच्चों यहाँ पर डायरेक्ट हीट कर दिया, वाटर नहीं डाला है तो वाटर निकलना है और वाटर आपका निकलना है मतलब डबल बॉन्ड आपका बनना है। अब डबल बॉन्ड कौन सा बनेगा, एक ये बन सकता था, दूसरा हमारा पास ये बन सकता था CH3CH CH3CH एंड डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर है, बचा हुआ ग्रुप एल्काइल ग्रुप, एक ही एल्काइल ग्रुप हमें मिला, जबकि आपने यहाँ पे देखा 1, 2, 3 एल्काइल ग्रुप्स आर प्रेजेंट, हियर यू गेट 3 एल्काइल ग्रुप्स एंड हियर यू गेट
ओनली वन एल्काइल ग्रुप। तो सेटजीव रूल क्या बोलता है कि वो वाला एल्किन ज्यादा स्टेबल है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स आर प्रेजेंट, जिसमें सबसे ज्यादा एल्काइल ग्रुप होंगे वो सेटजीव रूल कहता है कि वही एल्किन ज्यादा स्टेबल है। दैट्स व्हाई दिस एल्किन इज मोर स्टेबल, ये मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा, ये माइनर हो जाएगा। तो ये सब हम कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट वगैरह सब हम देखते हैं और जिसके कारण एल्काइन यहाँ पर एल्किन्स बनते हैं। अब उसके बाद ये डिहाइड्रेशन के बाद में हम बात करते हैं NaHCO3 की। अब बच्चों जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट की बात करते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट में क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट में बच्चों क्या होता है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ये कार्बोक्सिलिक एसिड का टेस्ट है एक्चुअली बेसिकली। तो सोडियम बाइकार्बोनेट्स के द्वारा क्या करते हैं हम टेस्ट फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड। जब भी आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का टेस्ट करना है तो आप सोडियम कार्बोनेट रिएजेंट का यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं बच्चों, यदि हमने यहाँ पर RCOOH लिया और हमने यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट यहाँ पर डाल दिया तो हम देखते हैं यहाँ पर RCOOH बन जाता है, सोडियम कार्बोनेट बन जाता है यहाँ पर, और प्लस यहाँ पर CO2 यहाँ पर अलग हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाती है, प्लस वाटर यहाँ पर अलग हो जाता है। तो इस प्रकार से सोडियम बाइकार्बोनेट के द्वारा हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का टेस्ट करते हैं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है हमें, और जब भी कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाए तो समझ जाइएगा कि उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। ठीक है, यहाँ पर H+ माइनस है, यहाँ पर Na+ है, ये माइनस है, इस प्रकार से Na+ जुड़ जाता है माइनस से, H2 अलग होकर CO2 को अलग करता है। चलिए बच्चों उसका 6 वाला अपन लेते हैं, वो है आपका NaHSO4 सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। ये सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट क्या करता है, ये रिजेंट क्या करने वाला है, तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट जो रिजेंट है वी कैन डिस्टिंग्विश कार्बोनिल एंड नॉन कार्बोनिल ग्रुप्स बाय दिस रिजेंट। हम लोग क्या करते हैं डिस्टिंग्विश करते हैं, डिस्टिंग्विश का मतलब क्या होता है, हम लोग अलग अलग करते हैं डिस्टिंग्विश या सेपरेट करते हैं, हम सेपरेट फॉर कार्बोनिल। कार्बोनिल का मतलब क्या होता है बच्चों, जिसमें CO ग्रुप होगा, कार्बोनिल एंड नॉन कार्बोनिल ग्रुप एंड नॉन कार्बोनिल ग्रुप। तो बच्चों नॉन कार्बोनिल ग्रुप क्या मतलब क्या होगा, जिसमें CO ग्रुप अब्सेंट होगा। तो डिस्टिंग्विश और सेपरेट फॉर कार्बोनिल एंड नॉन कार्बोनिल ग्रुप, तो इसमें हमारे पास पता है एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर द कार्बोनिल ग्रुप एंड नॉन कार्बोनिल फिनॉल वगैरह एल्कोहल वगैरह नॉन कार्बोनिल ग्रुप है, उन दोनों को हम अलग अलग करेंगे। तो बच्चों दोनों को हम अलग अलग कैसे करेंगे उसकी रिएक्शन हम थोड़ा देख लें। यदि हमारे पास सपोज कीजिए कार्बोनिल ग्रुप है और उसकी रिएक्शन यदि हमने NaHSO4 के साथ करवा दी तो NaHSO4 से हमें क्या मिलता है, यहाँ पर होता है देखो माइनस चार्ज और यहाँ पर होता है प्लस चार्ज, तो यहाँ पर मिल जाता है हमें SO3Na एंड OH आइंस, OH को माइनस आइंस और यहाँ पर हो जाता है आपका प्लस चार्ज। तो यहाँ पर सबसे पहले जो SO3Na है, यहाँ पर SO3Na तो HSO4 आपका मिल जाएगा, तो आप SO3Na जो प्लस है वो माइनस से जाके जुड़ जाएगा, ठीक है, और OH जो है वो हमारा जुड़ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर जो है NaHSO4 की जगह यहाँ पर NaHSO3 करना पड़ेगा हमें, क्योंकि NaHSO3 क्या होता है, NaHSO3 होता है सोडियम बाइसल्फाइड, सोडियम बाइसल्फाइड हमें करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने NaHSO4 लिया तो हमारा एसिड टूटेगा, लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पर NaHSO3 कर दिया तो अब यह कैसे टूटेगा, अब यहाँ पर यह H+ के रूप में टूट जाएगा। अब ये जैसे ही यहाँ पर H+ के रूप में टूट जाएगा, ये H+ के रूप में टूट गया और SO3Na ये माइनस चार्ज के रूप में टूट जाएगा। ये जो SO3Na माइनस चार्ज है वो यहाँ पर जाके जुड़ेगा और H+ यहाँ पर जाके जुड़ेगा। क्लियर पॉइंट है, NaHSO4 था तो वो जैसा मैंने थोड़ा वैसा टूटता है, क्योंकि NaHSO3 है सोडियम बाइसल्फाइड या जिसका हम दूसरा नाम है सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। इससे जो सॉल्ट बनता है उससे हमें वाइट सॉल्ट मिलता है जो वाटर में सॉल्युबल होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा SO3Na अलग हो जाएगा और यहाँ पर OH बन जाएगा। इन कंपाउंड्स का नाम होता है बाइसल्फाइड कंपाउंड, इनको अपन क्या बोलते हैं बाइसल्फाइड कंपाउंड बोलते हैं। ये वाइट होते हैं, सफ़ेद होते हैं एंड सॉल्युबल इन वाटर, और वाटर में क्या होते हैं सॉल्युबल होते हैं। बाइसल्फाइड कंपाउंड आर सॉल्युबल इन वाटर, वाइट होते हैं सफ़ेद होते हैं, ठीक है। तो चाहे फॉर्मेल्डिहाइड आपने लिया है यहाँ पर H और H,
तो यहाँ पर एच और एच हो जाएगा फॉर्मल्डिहाइड बाई सल्फाइड, एसल्डिहाइड आपने लिया है तो एसल्डिहाइड बाई सल्फाइड, और एसीटोन आपने लिया है तो एसीटोन बाई सल्फाइड कंपाउंड आपको मिल जाएंगे। तो ये आपका यहाँ पर 25th वाला यहाँ पर ये रिजेंट और नहीं रिजेंट कंप्लीट होता है बच्चों। अब अपन जो बात करने वाले हैं 26th वाले के बारे में बात करते हैं। 26 में क्या होता है, हम NOH का बात करते हैं और NOH को हम एक्वस NOH का हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। जब बच्चों हम NOH एक्वस NOH का जब हम इस्तेमाल करेंगे, एक्वस NOH का जब हम इस्तेमाल करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, तो इसमें जो रिएक्शन हमें देखें तीन चार टाइप की रिएक्शन होंगी। नंबर वन, यदि अपन RX लेते हैं और हमने यहाँ पर NOH ले लिया और एक्वस मतलब वाटर ले लिया, तो डेफिनेटली ये बेस है, यहाँ से ये तोड़ेगा माइनस और प्लस, यहाँ पर टूटेगा प्लस और माइनस, तो यहाँ पर NaX अलग हो जाएगा और यू गेट एल्कोहल। तो आपका एल्कोहल बन जाता है, एल्कल हैलाइड इज कन्वर्ट टू एल्कोहल, जब हम नंबर वन रिएक्शन में बात करते हैं। नंबर टू रिएक्शन में यदि हम बात करते हैं बच्चों, यदि हम लोग यहाँ पर एल्डिहाइड ले लेते हैं, सपोज कीजिए आपने फॉर्मल्डिहाइड ले लिया और आपने एक्वस NOH ले लिया, तो देखिए यहाँ पर ये कैनिज़ारो रिएक्शन शो कर देगा, और जैसे ही यहाँ पर ये कैनिज़ारो रिएक्शन शो करेगा तो कैनिज़ारो रिएक्शन में आपको क्या मिलने वाला है, आपको वन मॉलिक्यूल ऑफ मेथेनॉल एंड अदर मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम फॉर्मेट आपको मिलने वाला है। थर्ड रिएक्शन पे चलते हैं बच्चों अपन, तो थर्ड रिएक्शन में हमारे पास ऐसा एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजनम प्रेजेंट हो, CH3CHO, हमारे पास ऐसा एल्डिहाइड होता है बच्चों जिसमें अल्फा हाइड्रोजनम प्रेजेंट होता है, ऐसा एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजनम प्रेजेंट होता है CH3CHO क्या होता है, फंक्शन ग्रुप है नेक्स्ट कार्बन एटम अल्फा, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजनम प्रेजेंट होता है। जब हम एक्वस NOH रिएक्शन करवाते हैं तो डेफिनेटली हमें एल्डोल मिल जाएगा, एल्डोल कंडेंसेशन हो जाएगा। अब बच्चों एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है, CH3COH हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक H+ आयन जाएगा और वो H+ आयन इसके CO ग्रुप पे जाके जुड़ रहा है, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा H, और वो जो CH2 ग्रुप है दो मॉलिक्यूल होते हैं, कार्बनियन आयन बन गया, CH2CHO अलग हो गया, तो दिस कंपाउंड इज एल्डोल आप जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर CHO एंड OH दोनों ग्रुप एक साथ हैं, तो एल्डिहाइड मीन्स CHO ग्रुप एंड ऑल मीन्स OH ग्रुप, तो एक मॉलिक्यूल के अंदर इसलिए एल्डोल कंडेंसेशन बन जाएगा। मतलब ये जो रिजेंट होता है NOH, जो वाटर वाला रिजेंट है, तो यहाँ पर OH जोड़ता है, यही कैनिज़ारो रिएक्शन देता है, यही एल्डोल कंडेंसेशन देता है। तो इस प्रकार से बच्चों हमें ये सब मिलता है, यहाँ पर ये तीन रिएक्शन हमें यहाँ पर मिलती हैं। सपोज कीजिए अभी यहाँ पर यदि मैंने यहाँ पर कोई एस्टर ले लिया और एस्टर की NOH के साथ रिएक्शन करवा दी, फोर्थ वाली रिएक्शन एक और होती है, मैंने सपोज कीजिए यहाँ पर एस्टर ले लिया है, एक फोर्थ रिएक्शन में और ले लूँगा जैसे CH3COOC2H5, ये सिंपल एस्टर है, मैंने यहाँ पर NOH ले लिया और वाटर ले लिया, तो यहाँ पर क्या होने वाला है, अब यहाँ पर हाइड्रोलिसिस होने वाली है, ये यहाँ पर टूट जाएगा, OH यहाँ पर हो गया C2H5OH या ONA एंड यहाँ पर H हो जाएगा, और यहाँ पर मैं ले लूँगा ONA, तो यहाँ पर ONA हो गया बच्चों, तो ये बन गया CH3COOCNA, सोडियम एसीटेट बन जाएगा, और प्लस यहाँ पर हो जाएगा C2H5OH हो जाएगा, एथेनॉल हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर हाइड्रोलिसिस होती है। एक्वस जो NOH है वो एल्कल हैलाइड से एल्कोहल बनाता है, एक्वस NOH अल्फा हाइड्रोजनेटम ऑब्सेंट है तो कैनिज़ारो रिएक्शन देता है, एक्वस NOH यदि अल्फा हाइड्रोजनेटम प्रेजेंट है एल्डिहाइड में तो एल्डोल देता है, एक्वस NOH यदि एस्टर है तो उसको हाइड्रोलिस करके एसिडिक एसिड और एथेनॉल में चेंज करता है। तो इस प्रकार से चार रिएक्शन हमारी बच्चों एक्वस NOH करता है। मैं समझता हूँ आपकी समझ में आ रहा होगा और आप यहाँ पर उतारते भी जा रहे होंगे। चलिए बच्चों अपन 27 में चलते हैं, ठीक है। 27 वाला रिजेंट कौन सा है हमारा, 27 वाला रिजेंट है NaOR। ये जो मैंने रिजेंट दिया हुआ आपको NaOR, उस रिजेंट का मतलब क्या हुआ, उस रिजेंट का मतलब ये हुआ कि R की जगह मैंने यहाँ पर CH3 ग्रुप ले लिया बच्चों, तो क्या बन गया, सोडियम मेथॉक्साइड बन गया। इट इज़ ए स्ट्रॉन्ग बेस, ये हमेशा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस के रूप में काम करता है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर ये जैसे NaOR है अपने पास और या और OR CH3 है, R की जगह मैंने यहाँ पर CH3 ग्रुप लगा दिया, ये माइनस प्लस कर दिया, माइनस है ठीक है, यहाँ पर प्लस हो गया। चलिए अपन इसके कंपाउंड्स थोड़ा सा बनाना शुरू करें, स्ट्रॉन्ग बेस करता क्या है। तो पहली रिएक्शन पहले अपन देखते हैं बच्चों, यदि सपोज कीजिए RCHX है और आपका CH2R- है, अब एल्केल ग्रुप कुछ भी हो सकता है अपने को, ये यहाँ पर आपने स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया, CH3O- is act as a strong base, strong base के समान काम करेगा, और यदि बच्चों वो strong base के समान काम करेगा तो यह X को X- के रूप में निकालेगा, ठीक है।
और एच को एच प्लस आइंस के रूप में निकालेगा, मतलब दोनों काम करेगा। तो ये जो एच एच प्लस आइंस के रूप में निकलेगा तो मेथेनॉल बन जाएगा, और आपने जो एन ए प्लस आइंस दिया हुआ है वो एक्स के साथ जुड़कर यहाँ पे क्या बना लेगा, माइनस एन ए एक्स, एंड यहाँ पे बन जाएगा सी एस थ्री ओ एच। तो बेस क्या करता है यहाँ पर, एच प्लस आइंस को निकालता है यहाँ पर। अब ये एच प्लस आइंस यहाँ से निकले कि एच प्लस आइंस यहाँ से निकले, मतलब ये दो प्रोडक्ट आपको दे सकता है, या तो यहाँ पर आर डबल बॉन्ड सी एच यहाँ पर, या तो जो एक्स माइनस है यहाँ से आपने निकाल दिया, तो R की जगह यदि मैं यहाँ पर सी एस थ्री ग्रुप ले लूँ तो मेरा बन जाएगा सी एस थ्री सी एच सी एल सी एच टू सी एस थ्री। तो मैंने यहाँ पर x माइनस साइंस निकाल दिया, H प्लस साइंस मैं यहाँ से भी निकाल सकता हूँ, यहाँ से भी निकाल सकता हूँ, मतलब मुझे दो प्रोडक्ट बन जाएंगे। R की जगह मैंने यहाँ पर एल्केल ग्रुप रख दिया यहाँ पर, ताकि आपके लिए सिंपल हो जाए। तो सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच सी एच टू एंड सी एच थ्री, एक प्रोडक्ट आपको ये वाला मिल जाएगा, और सेकेंड प्रोडक्ट जो बच्चों मिलेगा वो पटर बनेगा सी एस थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच एंड सी एस थ्री। यू गेट टू प्रोडक्ट, आपको दो प्रोडक्ट मिल जाएंगे, पहला प्रोडक्ट ये वाला, दूसरा ये। इसको बोलेंगे अपन 1 2 3 4, तो हम इसको बोलेंगे 1-butene, यहाँ पे नंबर 1 कार्बोनेट नंबर डबल बॉन्ड है, और इसको हम बोलेंगे 2-butene क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड परसेंट ऑन सेकेंड कार्बोनेट हम। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर अब इन दोनों में कौन सा ज्यादा मेजर होगा या कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, तो आप देखेंगे 2-butene इज मोर स्टेबल, इसको आप ज्यादा स्टेबल बोलेंगे या इसको आप मेजर बोलेंगे। कारण क्या है, सेट जिफ एस ए वाई टी जेड ई डबल एफ, सेट जिफ प्रोडक्ट। यदि आप सेट जिफ प्रोडक्ट बोलते हैं बच्चों तो आपको ये ज्यादा बोलते हैं, और यदि आप हॉफमैन प्रोडक्ट बोलते हैं तो आप इसको बोलते हैं कि ये ज्यादा है। मेजर प्रोडक्ट यदि हॉफमैन मेजर प्रोडक्ट बोलते हैं तो 1-butene बोलेंगे, और यदि आप सेट जिफ बोलते हैं तो 2-butene बोलेंगे, इसका ध्यान रखना है। स्ट्रॉन्ग बेस जब भी होगा और हेलो एल्केन्स होंगे तो आपको ध्यान रखना है कि वहां पर एक्स माइनस अलग करेगा और एल्किन देगा। यहाँ पर ये जो देता है, यहाँ पर ये ई टू एलिमिनेशन देता है। कौन सा एलिमिनेशन देता है बच्चों, ई टू एलिमिनेशन देता है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है, जब भी स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो ई टू एलिमिनेशन देगा। अब यहाँ पर एक रिएक्शन हो गई, एक रिएक्शन यहाँ पर और आपको यहाँ पर मिलने वाली है, सेकेंड रिएक्शन, वो मैं यहाँ पर देखता हूँ। अब सेकंड रिएक्शन यहाँ पर कौन सी होगी बच्चों, तो सेकंड रिएक्शन यहाँ पर रहेगी, सेकंड रिएक्शन यहाँ पर जो होने वाली है वो कौन सी होने वाली है यहाँ पर, तो इसको उतार लो आप जब तक, तो इसको उतार लिया तो मैं इसको मिटा देता हूँ फर्स्ट वाली। अब सेकंड वाली जो रिएक्शन है वो है आपकी क्लेजन कंडेंसेशन। यदि मैं यहाँ पर, कौन सी रिएक्शन होने वाली है बच्चों, क्लेजन कंडेंसेशन। सेकंड रिएक्शन क्या होती है, क्लेजन कंडेंसेशन क्या होता है उसको अपन देखते हैं। क्लेजन कंडेंसेशन का बच्चों मतलब होता है, सी एस थ्री लिया मैंने, सी डबल ओ लिया, ओ ई टी ले लिया, सी टू एच फाइव ले लिया, एंड इन ये दो मॉलिक्यूल होते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सी एस थ्री ओ एन ए। सी एस थ्री ओ एन ए डेफिनेटली ये स्ट्रॉन्ग बेस के रूप में काम कर रहा है। जब भी स्ट्रॉन्ग बेस होगा बच्चों ध्यान रखना कि सी एस थ्री जो एस्टर ग्रुप है इसके दो मॉलिक्यूल यहाँ पर टूट जाते हैं और यहाँ पर बीटा कीटो एस्टर बनाते हैं। तो यहाँ पर तो ये हो गया आपका इथाइल एसीटेट, ये हो गया आपका इथाइल एसीटेट, ठीक है, और यहाँ से ये एच, यहाँ से ये एच अलग होगा यहाँ पर, और यहाँ पर बन जाएगा सी एस थ्री सी ओ सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी टू सी एस थ्री या सी टू एच फाइव। तो यहाँ पर ये जो कंपाउंड है ये एस्टर मतलब फंक्शन ग्रुप, अल्फा कार्बन बीटा बेस सीओ ग्रुप, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं बच्चों, बीटा कीटो एस्टर बोलते हैं। क्या बोलेंगे हम इसको, बीटा कीटो एस्टर बोलेंगे। तो इथाइल एसीटेट इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम मिथॉक्साइड हमें जो स्ट्रॉन्ग बेस के रूप में हमें बीटा कीटो एस्टर मिलता है। तो इसका दो बातें होती हैं, स्ट्रॉन्ग बेस डालिया तो सेट जिफ रूल बनेगा, वहां पर सेट जिफ प्रोडक्ट बनेगा, एल्किन्स बनेगा यदि हमारे पास हेलो एल्केन्स हैं तो। दूसरा यदि हमारे पास एस्टर्स हैं तो एस्टर क्या करेगा, बीटा कीटो एस्टर देगा, ठीक है। जिस इस रिएक्शन का नाम होता है बच्चों क्लेजन कंडेंसेशन, इसको हम ये नेम रिएक्शन है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लेजन कंडेंसेशन बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब अपन आ जाते हैं NOH प्लस हेलोजन की, इसको आपने उतार लिया होगा, इसको मिटा देते हैं अपन, ठीक है। अब हमारी बात आ गई 28 वाली है, NOH प्लस हेलोजन हेलो फॉर्म रिएक्शन मिलेगी बच्चों और हॉफमैन्स डिग्रेडेशन। चलो हेलो फॉर्म कैसे मिल जाएगी, तो हेलो फॉर्म तो उन्हीं
उन्हीं रिएक्शंस में उन्हीं रिएक्टेंट्स से मिलती है हेलोफॉर्म, जिनमें CH3CO ग्रुप एक ऐसे कार्बन एटम से जुड़ता हो, CH3CO ग्रुप कार्बन या हाइड्रोजन से जुड़े, तो ये कंपाउंड हमारे हेलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं। ये मैंने आपको बताया हुआ है, हेलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं। जिन बच्चों को रिएक्शंस पता नहीं है, वो कन्वर्शंस में मैंने रिएक्शन दी हुई है, तो वहाँ पे भी वो देखेंगे। बाद में जो नेम रिएक्शंस एक साथ में देने वाला हूँ, उनमें भी बहुत डिटेल में फिर वो रिएक्शंस आपको मिलेंगी, ठीक है, काफ़ी डिटेल में वो रिएक्शन आपको मिलेंगी। तो अपन ये बात करते हैं बच्चों हेलोफॉर्म रिएक्शन की। यदि हम यहाँ पर, हमने यहाँ पर ये पहली रिएक्शन ले ली NOH प्लस हेलोजन, मैंने यहाँ पर CO CH3 ले लिया एसीटोन, रिएक्शन आपको याद आ रही होगी। हेलोजन की जगह मैंने यहाँ पर आयोडीन ले लिया और मैंने यहाँ पर NOH ले लिया, अब आपको याद आ गई होगी रिएक्शंस, ठीक है। तो ये कंपाउंड एक कार्बन एटम का हमारा आइडोफॉर्म बनने वाला है, दो कार्बन एटम का मुझे एसिड का सॉल्ट देगा CH3COOH प्लस NaI देगा प्लस वाटर देगा, ठीक है। तो आयोडीन की जगह ये X2 का इस्तेमाल हुआ और NOS तो यहाँ पर है ही, आयोडीन की जगह मैंने X2 की जगह मैंने आयोडीन का इस्तेमाल किया और NOH यहाँ पर है। चूंकि मैंने बच्चों आयोडीन ले लिया, इसलिए यहाँ पर बनने वाला कंपाउंड येलो प्रेसिपिटेट का था मेरे को मिला, और जिसको मैं आइडोफॉर्म बोलूँगा, येलो प्रेसिपिटेट का मिलता है जिसको मैं आइडोफॉर्म बोलूँगा। मैं यदि यहाँ पर क्लोरीन लेता हूँ, Cl2 प्लस NOH लेता हूँ, तो यही कंपाउंड मुझे क्लोरोफॉर्म बन जाता है CHCl3 और बाकी अनदर प्रोडक्ट आर सेम, ये सब मुझे सेम मिलते हैं, ठीक है। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड हेलोफॉर्म रिएक्शन। उसका फर्स्ट क्लास सेकेंड रिएक्शन जो यहाँ पर है वो है हमारी हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन। हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन में क्या होगा बच्चों, यहाँ पर जैसे CH3CONH2 लिया, ठीक है, हेलोजन की जगह X2 की जगह मैंने Br2 ले लिया और मैंने यहाँ पर NOH ले लिया, क्योंकि मैं तो यहाँ पर X2 ले रहा हूँ, मैंने यहाँ पर Br2 ले लिया, X2 की जगह मैंने Br2 ले लिया। हम जानते हैं यहाँ पर CO ग्रुप अलग हो जाएगा, वो NOH के साथ Na2CO3 के रूप में अलग हो जाएगा बच्चों, Br2 यहाँ पर ट्वाइस NaBr के रूप में अलग हो जाएगा और हमें यहाँ पर CH3NH2 बन जाएगा, एंड दिस CH3NH2 ग्रुप इज कॉल्ड अमीन्स। मीन्स मैं यहाँ पे बच्चों क्या कर रहा हूँ, जो एमाइड्स होते हैं, मीन्स जो एसिटामाइड होता है, दैट एस्टामाइड इज कन्वर्ट इनटू अमीन्स। एस्टामाइड को बच्चों मैं अमीन्स में चेंज कर रहा हूँ, और वो ब्रोमीन और NOH के साथ रिएक्शन करके। NOH देखो कॉमन मिल रहा है मुझे, लेकिन X2 की जगह मैंने यहाँ पर I2 लिया तो आइडोफॉर्म बन गया, क्लोरीन लिया तो क्लोरोफॉर्म बन गया, और मैंने Br2 ले लिया तो NaBr बना, यहाँ पर NaBr अलग हो गया, CO में Na2CO3 उसने अलग किया। तो इस प्रकार से हॉफमैन डिग्रेडेशन क्यों बोला, दो कार्बन से एक कार्बन का अमीन बन गया। तो ये मेरा रीजन 28 कंप्लीट होता है, मैं 29 पे चलता हूँ। 29 है NOH एंड CO। ये बच्चों NOH एंड जो CO वाला जो रीजेंट है NOH एंड CO, इससे हमें क्या मिलने वाला है, तो NOH एंड CO मुझे सोडा लाइम देता है। यदि मैं यहाँ पर NOH प्लस CO लेता हूँ तो मैं इसको बोलता हूँ सोडा लाइम। ये सोडा लाइम की जो रिएक्शन है हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड में आपको मिलती है। आप जब भी यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड में CH3COOH लेते हैं प्लस आप यहाँ पर NOH ले लेते हैं और यहाँ पर आप CO ले लेते हैं। चूंकि बच्चों अकेला जो NOH है उसको हम लोग कास्टिक सोडा बोलते हैं, अकेला यदि NOH है तो हम उसको कास्टिक सोडा बोलते हैं, और यदि हमारे पास CO है तो हम उसको बोलने लगते हैं क्विक लाइम, CO को हम बोलते हैं क्विक लाइम। इसलिए इन दोनों का, यहाँ से हम सोडा ले लेते हैं, यहाँ से हम लाइम ले लेते हैं, इसलिए NOH एंड CO को हम बोलते हैं सोडा लाइम। चलिए बहुत अच्छी वाली बात है। अब यहाँ पर क्या करने वाला है, यहाँ पर रिएक्शन पर ये यहाँ पर जो CO2 है ये NOH के साथ में Na2CO3 बनाने वाला है। तो यहाँ पर इसे Na2CO3 बना लिया और CH3H के साथ में। अब यहाँ पर एसिटिक एसिड जब भी NOH के साथ जुड़ता है तो सबसे पहले Na बना लेता है यहाँ पर, तो ये ऐसा Na2CO3 आपको मिल गया, सोडियम कार्बोनेट। NOH जैसे डाला एसिटिक एसिड का एसिड प्लस बेस बना देगा हमारा सॉल्ट, इसलिए सोडियम एसिटेट हमें मिलेगा, Na2CO3 ये यहाँ पर आगे जाके बन जाएगा। जैसे यहाँ पर ये Na2CO3 बन गया तो दूसरा कंपाउंड देखो क्या बन गया, अब क्या बचा आपके पास, अब बचा आपके पास केवल H यहाँ जाके जुड़ जाएगा CH3 के साथ जाके, एंड यू गेट मीथेन, और आपको मिलने वाला है मीथेन। तो इस प्रकार से आपको बच्चों 29 वाली रिएक्शन कंप्लीट होती है।
हम रिजेंट में NaOH एंड CO का रिजेंट लिया, अब हम 30 रिजेंट लेते हैं NaNO2 एंड HCl का। जब भी हम NaNO2 एंड HCl का रिजेंट लेते हैं बच्चों, तो ये रिजेंट मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इससे आपको HNO2 मिलता है, और जो HNO2 मिलता है तो HNO2 वाली रिएक्शन है हमारे पास कि NaNO2 प्लस, जैसे हमने अमीन लिया RnH2 और उसमें हमने NaNO2 एंड HCl डाल दिया, टेम्परेचर हमने हाई कर दिया, ये यहाँ पे टूट जाएगा, इससे मिलेगा आपको हाई टेम्परेचर, तो इससे मिलेगा आपको HNO2 और HNO2 की रिएक्शन में OH एंड डबल बॉन्ड O, तो यहाँ पे यू गेट एल्कोहल ROH मिल जाएगा, प्लस नाइट्रोजन अलग हो जाएगी और प्लस वाटर आपको अलग मिलेगा। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन अभी कंप्लीट होती है बच्चों। चलिए अब नेक्स्ट सेक्शन में और लेके आता हूँ 10 सेक्शन रिजल्ट्स। तो बच्चों ये मैंने 21 से 30 के बाद में 31 टू 40 में आपके लिए ले आया ऑर्गेनिक रिजल्ट्स। इसमें अपन 31 पला देखते हैं, खत्म करते हैं फटाफट। NaNH2 इन पैराफिन, तो ये NaNH2 इन पैराफिन कहाँ काम करता है याद आ रहा है आपको, सोडामाइड है NaNH2, पैराफिन में हमने डाल दिया, पैराफिन मीन्स एल्केन्स वगैरह है ना, मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, क्या करेगा बेटा बच्चों बताओ। तो ये क्या करेगा बच्चों, ये NaNH2 इन पैराफिन जो तुम्हारे जो 2-ब्यूटीन है जैसे, तो 2-ब्यूटीन को 1-ब्यूटीन में चेंज कर देगा, मतलब ये क्या करता है यहाँ पर टर्मिनल एल्काइंस में चेंज कर देता है यहाँ पर, ठीक है। 2-ब्यूटीन या 2-ब्यूटेन है आपका, तो CH3 सी ट्रिपल बॉन्ड CCH3 ये आपका 2-ब्यूटाइन है एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू 1-ब्यूटाइन CH3CH और यहाँ पर हो जाएगा CH2 सी ट्रिपल बॉन्ड CH, तो यहाँ पर ये 2-ब्यूटाइन इट्स कन्वर्टेड इनटू 1-ब्यूटाइन, तो टर्मिनल एल्काइंस में चेंज कर देता है NaNH2 इन पैराफिन। तो ये यहाँ पर इस रिजेंट का यूज होता है। 32 रिजेंट का जो हम लोग यूज करते हैं बच्चों, सोडियम एंड एथेनॉल, तो यहाँ तो ये स्ट्रॉन्ग बेस होगा, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है, ये क्या रिड्यूस करेगा बच्चों, ये तो कन्वर्शन का काम किया इसने, इसे यहाँ पर पहले NaNH2 इन पैराफिन कन्वर्शन का काम किया है इसने, एल्काइंस को चेंज किया, पोजीशन चेंज की है, लेकिन जो सेकंड वाला है वो रिड्यूसिंग एजेंट के समान काम करेगा। अब ये सब रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, ऑल आर रिड्यूसिंग एजेंट, चाहे आपका सोडियम मेथेनॉल हो, चाहे आपका क्लेमेंसन रिडक्शन हो बच्चों, चाहे आपका बुल्क क्विशनर हो, ये सब के सब क्या करेंगे काम, रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेंगे। जब हम सोडियम एंड एथेनॉल लेते हैं बच्चों, तो ये सोडियम एंड एथेनॉल, एथेनॉल मीन्स C2H5OH, उसमें आप सोडियम को जोड़ दीजिएगा तो क्या बन जाएगा यहाँ पर C2H5ONa बन जाएगा, प्लस एंड माइनस मीन्स सोडियम मेथॉक्साइड आपको मिल जाएगा। इफ यू गेट सोडियम मेथॉक्साइड तो क्या बनने वाला है यहाँ पर, सोडियम एथेनॉल से दिस आर द रिड्यूसिंग एजेंट, सबको रिड्यूस कर देगा एक्सेप्ट डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को ये रिड्यूस नहीं करेगा। सपोज कीजिए अपन रिएक्शन लेते हैं, अब यहाँ पर हमने इसकी रिएक्शन ले ली, हमने यहाँ पर एल्डिहाइड ले लिया CH3CHO, हमने यहाँ पर सोडियम एंड एथेनॉल ले लिया, तो इसका मतलब C2H5ONa बन जाएगा, इसको रिड्यूस करेगा, CHO ग्रुप इज कन्वर्ट टू CH2OH ग्रुप, इसमें चेंज जाएगा। सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर CH3CH डबल बॉन्ड CH एंड CHO ले लिया, फिर मैंने यहाँ पर इसकी रिडक्शन करवा दिया, तो डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करेगा, डबल बॉन्ड को रहने देगा, ये यहाँ पर CHO को रिड्यूस कर देगा, तो इट गिव्स अस CH3CH डबल बॉन्ड CH एंड दिस CH2OH। इस टाइप से यदि आप रिएक्शन देखते हैं, सपोज कीजिए मैंने डबल बॉन्ड ले लिया और यहाँ पर CH2 और CHO ले लिया और फिर मैंने यहाँ पर रिडक्शन देखा, तो डबल बॉन्ड को नहीं करेगा, CHO ग्रुप को रिड्यूस करेगा, तो मैं डबल बॉन्ड वैसे रहने दूंगा और CH2CH2OH बना दूंगा। इसका हमें ध्यान रखना पड़ता है कि ये डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड रिड्यूस नहीं करता बच्चों, इट इज ओनली और ओनली रिड्यूस एल्डिहाइड कीटोन्स, एल्डिहाइड को प्राइमरी अल्कोहल में, कीटोन्स को सेकेंडरी अल्कोहल में, एस्टर को रिड्यूस करता है, एसिड को रिड्यूस करता है अल्कोहल में, लेकिन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड रिड्यूस नहीं करता। चलिए आगे अपन बढ़ते हैं, यहाँ पर 33 वाला हम देखते हैं, दैट इज जिंक अमलगम इन कंसंट्रेटेड HCl। बेसिकली जो HCl है इट इज ए कंसंट्रेटेड HCl है, ये जो HCl आपको मिला हुआ है ये कौन सा HCl है, इट इज ए कंसंट्रेटेड HCl है। कंसंट्रेटेड HCl क्या करने वाला है अच्छा बताओ,
कंसंट्रेट HCl जिंक अमलगम की प्रेजेंस में जो CO ग्रुप होता है, कार्बोनिल ग्रुप होते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन्स में होते हैं आप जानते हैं, तो ये जो कार्बोनिल ग्रुप होते हैं जैसे CO ग्रुप है यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने H और H लिए तो फॉर्मल्डिहाइड बन गया, CH3 मैंने CHO लिया तो यू गेट एसिटाल्डिहाइड, CH3COCH3 लिया तो यू गेट एसीटोन। इसको क्या करेगा बच्चों, ये ऑक्सीजन को हटा देगा, कौन सा, जब मैं यहाँ पर जिंक यहाँ पर अमलगम इन कंसंट्रेट HCl ले लूंगा तो यहाँ पर ये वाटर अलग हो जाएगा, H2 अलग हो गया और यहाँ पर दो हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ जाएंगे तो CH3CH2CH3 मुझे मिल जाएगा एंड इट इज कॉल्ड एल्केन्स। मीन्स जो कार्बोनिल ग्रुप है वो एल्केन्स में चेंज हो जाएंगे। कौन सा एल्केन बन रहा है, तीन कार्बन एटम का, मैंने एसीटोन लिया तो मुझे तीन कार्बन एटम का एल्केन मिल गया, इट इज ए प्रोपेन। तो इस प्रकार से यदि मैं जिंक अमलगम इन कंसंट्रेट HCl लेता हूँ तब भी मुझे एल्केन्स मिलते हैं, रिड्यूस करता है, ऑक्सीजन को अलग करता है। यदि मैं NH2NH2HCl लेता हूँ इसकी जगह पर नाम चेंज हो जाता है, ये क्लेमेंसन नाम हो गया, ये हो जाएगा बुल्फिस्टर नाम। सेम यहाँ पर रिएक्शन होगी, मैं यहाँ पर जिंक अमलगम हटा दूँ और यहाँ पर कंसंट्रेट HCl बेसिक मीडियम में ले लूँ। यहाँ पर बच्चों मैंने यहाँ पर हाइड्राजीन ले लिया, NH2 is called hydrazine and in NOH, ये NOH means basic medium में लिया तो same reaction होती है। यहाँ पर जो acetone का जो oxygen है वो water के रूप में यहाँ पर अलग हो जाता है and we get alkanes and this alkane is called propane। तीन carbon atom का है तो हमें propane मिलता है। तो इस प्रकार से 33-34 reactions complete होती है। अब अपन चलते हैं 35 में, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। सोडियम इन लिक्विड अमोनिया वाली जो रिएक्शन होती है बच्चों, इसमें जो एल्काइंस होता है वो एल्कीन्स में चेंज होता है, लेकिन सिस एल्किन नहीं होगा, वो ट्रांस एल्किन होगा, इसका थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ता है। सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया में क्या होता है, यदि मैंने यहाँ पर CH3 लिया और मैंने यहाँ पर C ले लिया और मैं इस टाइप से करूँ कि यहाँ पर एल्काइंस मुझे लेना है, CH3 ले लिया, C है ट्रिपल बॉन्ड C और फिर CH3, ठीक है, प्लस मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, किसकी प्रेजेंस में, यहाँ पर मैं ले रहा हूँ सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, इन लिक्विड अमोनिया। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर ट्रांस एल्काइन एल्किन्स बना देगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3। इस प्रकार से मुझे ट्रांस एल्किन, जब भी मुझे ट्रांस एल्किन बनाना होगा तो मैं इस रिजेंट का इस्तेमाल करूंगा, सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया का इस्तेमाल करूंगा। जब मुझे ट्रांस ना होगा सिस बनाना होगा तो मैं यहाँ पर लिंडलर कैटलिस्ट का यूज करूंगा। तो इस बात का हम लोग यहाँ पर ध्यान रखते हैं एंड दिस रिडक्शन इज कॉल्ड ब्रिज रिडक्शन, हम इसको कहते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यदि यहाँ पर जो ब्रिज रिडक्शन में सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया, यदि मैंने यहाँ पर देखो एल्काइंस लिया था, यदि मैं यहाँ पर क्या करता हूँ CH3 यहाँ पर CH3 लिया मैंने और यहाँ पर मैंने CH2 कर दिया और C ट्रिपल बॉन्ड CH कर दिया और अब मैंने यहाँ पर रिएक्शन करवा दी सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, तो इसका आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर क्योंकि टर्मिनल एल्काइंस आपको मिल रहा है, ये एसिडिक हाइड्रोजन एटम आपको मिल रहा है, तो एसिडिक हाइड्रोजन एटम ये H+ सोडियम इसको हटा देगा, इसका ध्यान रखना है। यहाँ पे देखिए कोई एसिडिक हाइड्रोजन एटम नहीं था ऊपर वाली रिएक्शन में, नो एसिडिक हाइड्रोजन एटम इज प्रेजेंट इन अबव रिएक्शन बट इन बिलो रिएक्शन यू गेट एसिडिक हाइड्रोजन एटम, दैट्स व्हाई दिस एसिडिक हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस बाय सोडियम। तो आपका क्या बन जाएगा बच्चों, CH3CH2C ट्रिपल बॉन्ड C यहाँ पर हो जाएगा माइनस और यहाँ पर हो जाएगा प्लस, तो आपका ये सोडियम जो कैटायन है वो यहाँ पर आके जुड़ जाएगा, तो ये रिएक्शन यहाँ पर हो जाती है। अब बच्चों अपन बात करते हैं 37 पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट की। पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट यहाँ पर ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में काम करता है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या होता है, जो वाटर को निकालता है। मैं यदि यहाँ पर ग्लिसरॉल लेता हूँ, मीन्स CH2H CHOH एंड CH2H लेता हूँ, दिस इज कॉल्ड ग्लिसरॉल। तो ये ग्लिसरॉल में से क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल निकाल देगा KHSO4 पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट, और जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल निकालेगा यहाँ पे OH एंड H2 निकाल देगा, यहाँ पर जो है वो H2S है यहाँ पर निकाल देगा, देखो इसे, तो ये कंपाउंड बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH, OH निकाल दिया यहाँ से, देखो CH हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH, ये H2 यहाँ से निकला, H2 यहाँ से निकला और फिर बच गया आपका CHO, ये हो गया आपका CHO एंड दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एक्रिलडिहाइड या हम इसको एक्रोलीन बोलते हैं।
दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एक्रोलीन, या हम इसको एक्रेल्डिहाइड बोलते हैं, तो इट इज कॉल्ड एक्रेल्डिहाइड और एक्रोलीन। क्या हुआ, टू वाटर मॉलिक्यूल इसने यहाँ पर अलग कर दिया, माइनस ट्वाइस एच टू यहाँ पर अलग हो गया, तो ग्लिसरॉल। तो इसलिए हम पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट इज यूज एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट, है ना, वाटर मॉलिक्यूल निकालने का काम करता है। कैसे निकाला मैंने आपको बता दिया, OH एंड HH2 ऐसा एंड H2O यहाँ पर ऐसा निकल गया, ठीक है। चलिए जोन्स एजेंट के बारे में बात करते हैं अपन। तो बच्चों जो जोन्स एजेंट जो होता है वो क्या होता है, जोन्स एजेंट मीन्स होता है CrO3 प्लस डायल्यूट H2SO4 प्लस एसीटोन, इट इज कॉल्ड जोन्स एजेंट। तो बच्चों ये जोन्स एजेंट क्या करता है, ये यहाँ पर पार्शियल ऑक्सीडाइज करता है एल्कोहल को, मतलब ये जो है यहाँ पर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करेगा। जोन्स एजेंट इज एक्ट एज ए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जब ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में यहाँ पे काम करेगा तो क्या करेगा, जैसे आपने यहाँ पर RCH2H लिया और आपने यहाँ पर जोन्स एजेंट ले लिया, तो ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करेगा, RCHO में चेंज करेगा। इट इज ए 1 डिग्री अल्कोहल, दैट्स वाई यू गेट एल्डिहाइड, एंड वेन यू गेट सेकेंडरी अल्कोहल RCHOH एंड R एंड जोन्स एजेंट का आपने इस्तेमाल कर दिया, तो यहाँ पर ये कीटोन्स बना देगा, C(O) एंड R- बना देगा। तो जोन्स एजेंट प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में एंड सेकेंडरी अल्कोहल को इट इज कन्वर्ट इनटू कीटोन्स, यहां तक ये चेंज करता है जोन्स एजेंट। अब अपन बात करते हैं बच्चों 38 एंड 39 की, फ्रीडल क्राफ्ट एल्केलेशन आपने बहुत अच्छे से समझा हुआ है, जिन बच्चों ने फटाक से आप यहाँ पे कर देंगे, क्यों, क्योंकि हमें तो एल्काइल ग्रुप ही यहाँ पर लगाना है। यहाँ पर यदि AlCl3 है बच्चों, जब भी RCl के साथ AlCl3 होगा, एनहाइड्रस होगा, तो ध्यान देना है आपको कि यहाँ पर ये R ग्रुप जाके आपको जोड़ना है। सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर बेंजीन रिंग ले लिया, यहाँ पर मैंने RCl ले लिया और यहाँ पर मैंने AlCl3 डाल दिया, ये एनहाइड्रस AlCl जैसे मैंने डाला तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पर प्लस होगा, प्लस चार्ज यहाँ पर आगे जुड़ जाएगा, तो आपको यहाँ पर ये R ग्रुप यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। यदि मैं सेकेंड वाली 39 वाली रिएक्शन में एनहाइड्रस AlCl3 लेता हूँ और RCOCl के साथ करता हूँ, तो एसाइलियम आयन या एसाइल आयन जुड़ता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं एसाइलेशन रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, क्योंकि एसाइल आयन जुड़ता है। यहाँ पर हम एल्काइलेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि एल्काइल ग्रुप जुड़ता है, यहाँ पर दिस इज कॉल्ड एल्काइल ग्रुप जाके जुड़ रहा है, इसे एल्काइलेशन। तो सेकंड रिएक्शन यदि हम ये 38 के बाद में जब हम 39 वाली रिएक्शन बात करते हैं, जो आपको बहुत सरल से आपको समझ में आ रही होगी और शायद याद भी होगी, कई बार पढ़ा है आपने, तो ये प्लस और माइनस को आप यहाँ पर जोड़ दीजिए और यहाँ पर CO ग्रुप को आप लगा दीजिए, चाहे आप यहाँ पर CoR को लगा दीजिए, एसिटोफिनोन बना दीजिए, बेंजोफिनोन बना दीजिए, आप कुछ भी बना सकते हैं। अब अपन बात करते हैं बच्चों लास्ट वाली SOCl2 वाली रिएक्शन में, SOCl2 क्या करता है, आप ध्यान रखिए, ये जो SOCl2 होता है ये Cl ग्रुप को जोड़ता है, और SOCl2 को हम बोलते क्या है, इसको हम थायोनिल क्लोराइड बोलते हैं, तो SOCl2 को हम लोग बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड, इसको हम बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड। ये करेगा क्या है, ये यहाँ पर Cl ग्रुप को यहाँ पर जोड़ता है, जैसे ROH एल्कोहल लिया हमने, SOCl2 हमने रिजेंट लिया, यहाँ पर इसे तोड़ेगा, यहाँ पर यहाँ से ऐसे तोड़ेगा, SOO से साथ जुड़ेगा SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, CLS के साथ जुड़ेगा HCl एंड RCl यहाँ पर अलग हो जाएगा, एल्काइल हैलाइड आपको मिल जाता है, ठीक है। तो SOCl2 थायोनिल क्लोराइड से हमें एल्काइल हैलाइड, एल्कोहल से हम एल्काइल हैलाइड बना लेते हैं, मिथाइल एल्कोहल है तो मेथेनॉल है तो मिथाइल क्लोराइड बन जाएगा, यदि एथेनॉल है तो इथाइल क्लोराइड बन जाएगा। तो जब भी आपको बनाना हो ऐसा, तो आप यहाँ पर RCl, आप यहाँ पर ROH SOCl2 का यूज करते हैं ग्रेनार्जेंट का, ठीक है बच्चों। तो ये पार्ट टू में 40 आपके ऑर्निक रिजेंट होंगे, अब पार्ट थ्री में जो बचे खुचे उसको कर देंगे, और आपके पूरे ऑर्निक केमिस्ट्री के ऑर्निक रिजेंट जिनका यूज हम लोग कन्वर्शंस में भी कर रहे हैं, ठीक है, जिनका यूज हम लोग कन्वर्शंस में कर रहे हैं, नीट के कन्वर्शंस हुए या JEE कन्वर्शंस हुए, उन सारे कन्वर्शंस में इनका यूज हुआ है, कईयों का यूज आपने करा हुआ है, NCERT ने भी किया हुआ है, तो ये सारे मैंने दे दिए। थैंक यू वेरी मच, आई लव यू।